यहाँ पे किस तरीके स्टेबल हो जाए, युवाओं का क्या समस्या है, वो कहीं ना कहीं दूर करने का काम वो जो है करेंगे, ऐसा मेरा पूरा पूरा विश्वास है। सामने समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी का, आज वन टू वन फाइट है तो क्या लग रहा है इस बार? आज अखिलेश यादव जी भी जौनपुर आज विजिट कर रहे हैं, जनसभा करेंगे। देखिए उनका भी एक अपना मौलिक अधिकार है, हर पार्टियां जो है चुनाव लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अपना चुनाव लड़ी है, लेकिन ये लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो जिनको जीतना है, जिनको जीतना चाहिए, जिस विचारधारा को जो है राष्ट्र में काम करना चाहिए, देश में काम करना चाहिए, हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री जो है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने जो है पूर्वजों का जो एक आस था, हमारे जैसे युवा जिसका कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत आज़ाद भारत में जो है भारत माते के मस्तक पे जो बेड़ी जकड़ा हुआ था धारा 370 के रूप में जो है, हम आज़ाद भारत में जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा जो है एक कानून जो है हमारे देश पे थोपा गया, हमारे जनपद के सैकड़ों जो है हमारे जो आर्मी के जवान जो है शहीद हुए, शहादत प्राप्त किए, ऐसे धारा 370 का जो है ख़त्म करने का जिन्होंने काम किया है, उसे कहीं ना कहीं जो है हमें हम सबको उनका जन समर्थन, उनको इनाम देने का हमें अब काम करना है 25 तारीख को। तो युवा देश का जो है, गरीब देश का, उस शहीद जवान के पिता, उस जवान शहीद के जो है बेटे, उस जवान शहीद के की विधवा निश्चित तौर पे जो है बाहर निकलेंगे जो है, उस भारत माता के सपूतों को अपना समर्थन दिखाएंगे। सर, जन्मभूमि तो कृपा शंकर जी की जौनपुर रही है, लेकिन कहा जाए कर्मभूमि नहीं रही है, वो महाराष्ट्र की राजनीति की है। 100% लग रहा है कि यहाँ पर लोग स्वीकार करेंगे या नहीं? 100% जो है ये जनपद जौनपुर और मुंबई का रिश्ता आपको मालूम है कि हम लोगों का जन्मभूमि माँ देवकी ये जनपद जौनपुर रहे, माँ यशोदा मुंबई रहा है, और मुंबई का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे जनपद पे है। हमारे जनपद के कम से कम कई हजार या लाखों में भी कह सकते कई लाख लोग आज जो है वहाँ पर बहुत ही स्वच्छंद रूप से वहाँ रोजी रोटी जाके कमाते ही नहीं है, वरन वहाँ की जो है अर्थव्यवस्था के जो है हिस्सा बने हुए हैं, वहाँ पे जो है बड़े बड़े उद्योग के मालिक बने हैं, वहाँ के बहुत बड़े बड़े जो है व्यवसायिक घराने के जो है वो अधिकारी बन चुके हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि जनपद जौनपुर को मुंबई ने किस तरीके से स्वीकार किया है। तो मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से जनपद जौनपुर को मुंबई ने स्वीकार किया है, उसी तरीके से जनपद जौनपुर मुंबई के एक प्रतिनिधि जो आपके विकास, आपका भविष्य बदलने के लिए आए, आप भी स्वीकार करिए जो है, इसमें आप बड़ा दिल दिखाइए। कारण क्या है कि अनगिनत विधायक चुन के आए हैं हमारे मुंबई महाराष्ट्र के विधानसभा में जनपद जौनपुर के, अनगिनत मंत्री बने हैं हमारे जनपद जौनपुर के, सांसद भी बने हैं हमारे जनपद जौनपुर के। तो ये कहीं ना कहीं हमें जो है ये ऋण चुकाने का ये अवसर आया है, और कहीं ना कहीं ये रिश्ता जनपद जौनपुर और मुंबई का बहुत ही पुराना है। मेरे परिवार के लोग 100 साल पहले गए थे, तमाम लोग वहाँ पे, हम देखे जनपद जौनपुर के दो वहाँ पे लोक प्रतिनिधि वहाँ पे चुन के गए हैं, वहाँ के सदन में हम बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो कि आपका, आपके जमीन पे पैदा हुआ व्यक्ति, यहीं पे पढ़ाई टीडी कॉलेज में किए हुए कृपा शंकर सिंह जी, और जौनपुर का कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति गया होगा कि खास व्यक्ति गया होगा, सबसे पहले उनका अगर आधार कोई बना होगा तो बाबू कृपा शंकर सिंह जी बने होंगे जो है। ऐसे व्यक्तित्व जिनके मन में न कभी उत्तर भारतीयों के प्रति कोई द्वेष आया है, हमेशा उन्होंने समर्थन किया है, और जौनपुर जनपद में हमेशा उनका आना जाना रहा है। ऐसे अपने लाल को, रामलला जो है 14 साल के लिए वनवास में चले गए तो क्या अयोध्या से उनका रिश्ता टूट गया क्या? आने के बाद उनका और भी बड़े रूप में उनका स्वागत हुआ, और भारत के सनातन धर्म में जो है कहीं कहीं दिवाली जैसा एक जो है लोक पर्व जो है हमने मनाया है। तो अगर कृपा शंकर सिंह जी अगर जनपद जौनपुर में वापस लौट के आए हैं, तो आपका बेटा लौट के आया है, आपका एक सपूत लौट के आया है, आपका मान सम्मान बढ़ा के आया है, महाराष्ट्र का गौरव बन के आया है, तो आपका बेटा, अगर सपूत बेटा आया है, तो आपका भी गौरव जो है बढ़ाने का वो काम करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कृपा शंकर सिंह जी जनपद जौनपुर का गौरव बढ़ाने का काम करेंगे, आपके मान सम्मान से को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अभी से 5 से 6 घंटे बाद 50% थम जाएगा, तो क्यों इस टाइम पीसी करने का क्या मोटिव है? बिल्कुल, ये तो मूल समय है, संदेश जनता को देना है। लग रहा है कि आपने लेट पीसी किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मूल, देखिए मूल समय है, अभी हम सभी लोग जनता गांव गांव तक जाना है, लोकसभा बहुत बड़ा था, 5 घंटे में चले जाएंगे? नहीं नहीं, हम जाके आए जनता से मिलने के बाद, फिर हम हमारे पत्रकार बंधुओं से मिलने का। रुझान क्या मिले आपको सर? रुझान बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत के आएंगे, बहुत ही उनका मार्जिन जो है लाख से ऊपर रहेगा या लाखों में रहेगा। तो ये 100% ये जनपद जौनपुर जो है, और ये हर एक मत जो है देश का प्रधानमंत्री चुनने का आप मतदान कर रहे हैं,
देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये चुनाव है। मोदी जी कृपा शंकर जी के रूप में, मोदी जी जो है तीसरी बार अब की बार 400 पार का जो नारा है वो सार्थक होगा।